राघोपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से लगातार दो बार इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां से जीतते आ रहे हैं। 7 बार इसी घराने से एमएलए रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां की स्थिति ऐसी है। 13 कमरे के अंदर 2260 विद्यार्थी और वो भी सिर्फ एक ही बिल्डिंग के नीचे, एक ही छत के नीचे पढ़ाई करता है, तो सैदाबाद कितना पिछड़ा क्षेत्र रहा होगा। उसी स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर हुआ करते थे संजय कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातें लिखित में रखी थी वहाँ के बीओ के समक्ष, और जानकारी अब ये मिल रही है कि उसे ट्रांसफर कर दिया गया। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, राघोपुर के अंदर एक पंचायत पड़ता है सैदाबाद। सैदाबाद 2022 में भी इतने पीछे चल रहा है, जिसको देखने के बाद आप यही कहेंगे कि पूरा विकास बिहार के बाकी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन एक टापू श्रीलंका के रूप में बसा हुआ वो गांव, जिसके चारों ओर पानी ही पानी है, बीच में बसा वो गाँव, उस गाँव में एक स्कूल ऐसा भी है, यानी कि एक नहीं कहेगा 5 स्कूल ऐसा भी है जो 5 अलग अलग जगहों पर नहीं चलता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर चलता है। यानी कि उस 5 स्कूलों के अगर विद्यार्थियों की बात करें तो 2260 विद्यार्थी उस 5 स्कूलों के अंदर पढ़ता है, और सारे के सारे विद्यार्थी उसी कैंपस के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। उस कैंपस में 13 कमरे हैं। अब सोचिए 13 कमरे के अंदर 2260 विद्यार्थी और वो भी सिर्फ एक ही बिल्डिंग के नीचे, एक ही छत के नीचे पढ़ाई करता है, तो सैदाबाद कितना पिछड़ा क्षेत्र रहा होगा। इस बात को लेकर मेरी बात वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी से हुई थी, तो उनका कहना था कि हमें कहीं सरकारी ज़मीन नहीं मिल रही है, यही वजह है कि हमने स्कूल को वहाँ पर शिफ्ट किया है। वहीं उन सारे स्कूलों की इतिहास की बात करें तो वो सारे स्कूल 2013 में उस जगह पर शिफ्ट कराया गया है। 2013 से पहले 1952 से लेकर 2013 तक सभी स्कूल अलग अलग जगहों पर स्थापित था, लेकिन 2013 के बाद से सारे 5 स्कूल एक ही बिल्डिंग के अंदर चलता रहा है। और सही बात बताएं आपको, वो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, राघोपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से लगातार 2 बार इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां से जीतते आ रहे हैं। 7 बार इसी घराने से एमएलए रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां की स्थिति ऐसी है। पहले आपको वहां की जो तस्वीर है वो उससे आपको हम परिचय करवाते हैं। एक बार इस तस्वीर को देखिए, और जिस प्रकार से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते पढ़ने के लिए, और काफ़ी दूर से बच्चे आते पढ़ने के लिए, कितनी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम आपसे बातें करते हैं। पहले स्कूल कहाँ चलता था? उसका मध्य विद्यालय वाला यहाँ चलता था। तुम लोग छोटो चाहता है कि स्कूल यहाँ बने? पढ़ाई करने में तुम लोग को तो दिक्कत होता होगा, कहाँ जाता तुम लोग पढ़ने? उत्कर्मित विद्यालय से रहा। यहाँ से क्या किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर। आने जाने में परेशानी होता होगा? परेशानी होता। कैसे आता है, गाड़ी से या पैदल? पैदल। मतलब रोज तुम लोग 6 किलोमीटर का सफर करते हो, 3 किलोमीटर आने के लिए, 3 किलोमीटर जाने के लिए। तो अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से स्कूल पहुंच रहे हैं, उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग के कानों तले जू नहीं रेंग रही है। बहुत बड़ा ये सवाल है। सोचने वाली बात है कि 2013 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट आप कहेंगे तो 9 साल हो गए हैं, और 9 साल में भी हालत बद से बदतर है। अब जैसे आप महसूस कीजिए कि एक जगह पर 10 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल बनना चाहिए था, वो स्कूल एक ही जगह पर स्थापित है, वहाँ पर 2262 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 5 स्कूल एक ही कैंपस के अंदर चल रहा होता है, तो कितनी बड़ी भयावह तस्वीर होगी उस जगह की। और ये सारा दृश्य कहीं और का नहीं है, बिहार के किसी और हिस्से का नहीं है, वो विधानसभा क्षेत्र अभी वर्तमान में जो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हमारे पास रैना जी हैं, इन्होंने कई सारे यहाँ पर आवेदन की कॉपी मेरे हाथ में थमाया है, जिसमें देख रहा हूँ कि एक में है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ हो गया, दूसरा मैं देख रहा हूँ कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, आप यहाँ भी इन्होंने दिया है, उसके बाद प्रधान सचिव को भी दिया इन्होंने। आप आगे देखते जाइए, ये देखिए एक इस घटना में, इस पूरे मामले में एक रोचक घटना सामने आया है। रोचक घटना ये है कि
उसके अंदर उसी स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर हुआ करते थे संजय कुमार जी, जिन्होंने अपनी बातें लिखित में रखी थी वहाँ के बीओ के समक्ष, और जानकारी अब ये मिल रही है कि उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि बीओ ने लिखा है कि हम किस प्रकार से यहाँ पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में कितनी परेशानी हमें होती है, हम किस प्रकार से यहाँ पर हर रोज़ कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, ये बातें उन्होंने लिखित वे में बीओ को दिया और बीओ ने उसी की ट्रांसफ़र कर डाली। तो जरा से इसका जरा से बताइए कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रधानाध्यापक ने एक आवेदन दिया है बीओ के के पास और फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो ये इसकी कहानी क्या थी? इसकी कहानी ये थी सर ना, कि जो टीचर थे संजय जी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय सैदाबाद का, राजकीय मध्य विद्यालय सैदाबाद का, तो वो बीओ का आवेदन दिए कि यहाँ 5 स्कूल टैग हो जाने के कारण हमें भी पढ़ाने में परेशानी होती है और बच्चे लोग को भी परेशानी होती है, ऐसा क्यों ना हो सर कि ये 5 विद्यालय अपने मूल जगह संचालित कर दिया जाए। बस वो इतना लिख के दिए और डीओ साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी जी उनको ट्रांसफ़र कर दिए कि जाइए आपको यहाँ मन नहीं भरता है ना तो आप कहीं और पढ़ा लीजिए। ये तो कोई बात का मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि बीओ साहब और डीओ साहब को उस इस 5 स्कूल से कमीशन जाती है, तो वो ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे कि वो स्कूल अपने 5 जगह संचालित हो। चलिए ये आपका आरोप है तो ये इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि जो जिस प्रकार से वहाँ के जो डीओ ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर ज़मीन नहीं है, क्या वाकई में ज़मीन नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो तहकीकात करने की चीज़ है, वहाँ आप भी जाके देख सकते हैं, डीओ साहब भी देख सकते हैं, बीओ साहब भी देख सकते हैं। आप ये ज़मीन का हवाला दिया जा रहा है, ज़मीन नहीं है, हमको बस ये जानकारी चाहिए कि जब ज़मीन नहीं थी तो 1952 से स्कूल चला कैसे सर? जब ज़मीन ना होती तो 1952 में ही ये स्कूल नहीं बनता। 1952 से स्कूल अपने जगह 2013 तक चला और 2013 के बाद अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ज़मीन नहीं है, ये कोई बात की मतलब हुई? और जिस जगह पे 5 स्कूल चले क्या उसका ज़मीन है क्या? उसका भी ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जगह पे चल रहा है, तो फिर उनके लिए अलग प्रोटोकॉल और मेरे लिए अलग प्रोटोकॉल, नियम सबके लिए सेम होना चाहिए। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि राघोपुर विधानसभा में 135 स्कूल में 100 गो का ज़मीन नहीं है, फिर भी अपने जगह वो संचालित हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों? उनका भी ज़मीन खोजिए। एक स्कूल के लिए आप सारा नियम लाइएगा और एक स्कूल को बोलिएगा कि ज़मीन नहीं है, एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं डीओ साहब। और इससे भी इंटरेस्टिंग बातें सामने हमें देखने को मिला कि हमें जो वहाँ से तस्वीर आई है उस तस्वीर के अंदर आप सीधे तौर पर आप भी खुद देख लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर जब भी इलेक्शन होता है, हर 5 वर्ष में होता है या फिर 3 वर्ष में जो भी इलेक्शन होता है, वहाँ पर आपको उसी टूटी फूटी इमारत के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पर इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के लिए वास्ते बूथ नंबर डाला जाता है और सारे प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है। तो आप उस तस्वीर को भी देखिए कि जिस प्रकार से 1952 में स्कूल का स्थापना हुआ था और 2013 में जाकर के वो स्कूल जर्जर स्थिति बनी है, उसके बाद वहाँ से स्कूल को हटा दिया गया, शिफ्ट करा दिया गया, तो उस तस्वीर को आप देख लीजिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरी बात वैशाली डीओ से हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ बोला है आप खुद सुन लीजिए उनकी जुबानी, उन्होंने क्या कुछ बोला है। ये प्रखंड राघोपुर के अंदर सैदाबाद पंचायत है, रीता देवी मुखिया जी हैं, तो उसी के कैंपस में एक ही कैंपस में 5 स्कूल चल रहा, तो सर इसके पीछे की वजह क्या है? ये यही है कि जिस स्कूल को जमीन नहीं है, मकान नहीं है, सरकार का आदेश यही है कि जहाँ भवन है बगल के जो निकटतम जो भवन युक्त स्कूल है उसी स्कूल में जो है टैग कर करके चलाना है। यह केवल सैदाबाद का मामला नहीं है, पूरे जिले का मामला है और पूरे बिहार का मामला है। सर यहाँ पर कब से है? हमको तो आए हुए दो महीना हुआ है। अच्छा, तो हम तो देख रहे हैं कि है, हमको लग रहा है कि तो जैसा कि हम भी गए थे वहाँ तो पता चला कि काफी समय से वहाँ है, तो संज्ञान में है, विभाग के संज्ञान में भी है ये चीज। बिल्डिंग जब जमीन व्यवस्था हो जा और राशि प्राप्त होगा भवन बनेगा तो अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। अब पहले से जब बिल्डिंग बनी हुई है वो जर्जर स्थिति में है, उसका ग्रामीण कहना है कि यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है स्कूल, करवा दो, ग्रामीण को मना क्या करता है? वो हम लोगों का काम थोड़े है, विद्यालय शिक्षा समिति बनी हुई है, VSS में जो है जो अध्यक्ष होते हैं वार्ड मेंबर होते हैं,
ग्रामीण लोग ही जो मेंबर होता है तो रोका कौन है उसको? अगर मान लीजिए है कहीं बिल्डिंग है स्कूल का तो उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए, हम लोग तो नहीं रोके हैं। ठीक है, अपने स्तर से आप मतलब अपने ही कुछ कर पाएंगे? क्या कर आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या करेंगे बताइए आप? नहीं नहीं, प्रावधान आपके पास में कोई प्रावधान नहीं है? मेरे पास प्रावधान वही है जो विभाग सरकार का जो सर्कुलर नियम जो बना हुआ है ना, उसी नियम की बात हम करेंगे ना, मेरे पास क्या प्रावधान होगा, हम उसको कहाँ लेकर के जाएंगे? ठीक है सर। इस पूरे मामले को लेकर इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से हम यही चाहेंगे कि आप कम से कम अपना जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर एक बार जाएं और इस चीज़ को आप अपने स्तर से देखें, और जितने भी बच्चे जो 2262 बच्चे जिस प्रकार से पिछले 12 सालों से परेशान हैं वो हर रोज़ 10 से 12 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करके स्कूल पहुँचते हैं पढ़ने के लिए, उसकी आप मजबूरियों को ध्यान रखते हुए सभी स्कूल को अपने अपने जगह पर स्थापित वापस से करवाएं। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।